एएम ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन। देखिए ये जो ट्रांसमिशन होता है, जैसे कि हम जानते हैं नाम से, यह ट्रांसमिट करेगा सिग्नल्स को, और जो ट्रांसमीटर होता है वो मीडियम वेव और शॉर्ट वेव्स को ट्रांसमिट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जो मीडियम वेव फ्रीक्वेंसी होती है वो 550 के हर्ज टू 1650 के हर्ज तक होती है, और जो शॉर्ट वेव फ्रीक्वेंसी होती है वो 3 MHz टू 30 MHz तक होती है। इसमें डिफरेंट स्टेप्स का यूज किया जाता है। सबसे पहले होता है ऑसिलेटर। ऑसिलेटर क्या करेगा? ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करेगा। किस तरह की? कैरियर ऑसिलेटर है ये, क्योंकि कैरियर ऑसिलेशंस को प्रोड्यूस करेगा। और कैरियर सिग्नल को जनरेट करने के लिए जो आरएफ रेंज पे लाई करता है उतनी ऑसिलेशंस को प्रोड्यूस करेगा। जो फ्रीक्वेंसी होती है कैरियर जो ऑसिलेशंस होती है वो हाई होती है, और कैरियर ऑसिलेशन को जनरेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है एक पर्टिकुलर स्टेबिलिटी के साथ, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। इसलिए गुड स्टेबिलिटी नहीं मिलती फ्रीक्वेंसी की। जो कैरियर ऑसिलेटर होता है उसमें एक सब ये जनरेट करता है सब मल्टीपल को, जो कि जरूरी होता है कैरियर फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने के लिए। और जो सब मल्टीपल फ्रीक्वेंसी होती है वो मल्टीप्लाई होती है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर के साथ, उसकी स्टेज के साथ, ताकि हमें एक कैरियर फ्रीक्वेंसी मिल सके। ये तो हो गया हमारा कैरियर ऑसिलेटर। नेक्स्ट होता है हमारा बफर एम्पलीफायर। इसका नेक्स्ट स्टेप है बफर एम्पलीफायर, जिसका पहला काम होता है मैच करना आउटपुट इम्पीडेंस को कैरियर ऑसिलेटर की और इनपुट इम्पीडेंस के साथ, जो कि फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर होता है, इन दोनों के इम्पीडेंस को मैच करना। ये नेक्स्ट पार्ट है कैरियर ऑसिलेटर का। और ये ज्यादा पार्ट को, यानी कि अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी आती है, मतलब कि अगर कैरियर ऑसिलेटर की लार्ज करंट फ्लो हो रहा है तो उसको फ्लो होने से प्रिवेंट करता है, लार्ज करंट फ्लो नहीं होने देता। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फ्रीक्वेंसी होती है जो कैरियर ऑसिलेटर की वो कॉन्स्टेंट नहीं रहती, स्टेबल नहीं रहती। इस वजह से बफर एम्पलीफायर का यूज होता है, बफर एम्पलीफिकेशन करता है, बफरिंग करता है। ये तो हमने बात की कैरियर की। अब हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कर रहे हैं तो हमें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी चाहिए, मतलब कि एक साउंड वेव जो कि हमने ट्रांसमिट करनी है माइक्रोफोन पे, उसे स्ट्राइक करवाते हैं साउंड वेव्स को, और वो वेव माइक्रोफोन के डायफ्राम पे स्ट्राइक करती है और टाइनी करंट को वैरी करवाती है, और जो ऑडियो फ्रिक्वेंसी आउटपुट इसके बाद उसको पास किया जाता है ऑडियो एम्पलीफायर में, जो कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करेगा। यानी ऊपर से हमारा कैरियर गया, नीचे से अपना मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जाएगा, और दोनों क्या होंगे? मैच होंगे। और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है? कैरियर को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग वैरी करना, वो होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और वो होगा मॉड्यूलेटेड सिग्नल, और उसके बाद से पावर एम्पलीफायर में भेजे जाता है, जिसका लास्ट स्टेप होता है आरएफ एम्पलीफायर, जो कि हमने अपने लास्ट टॉपिक में किया था। आरएफ एम्पलीफायर, जो भी हमारा आरएफ एम्पलीफायर होगा रेडियो फ्रिक्वेंसी को एम्पलीफाई करेगा और उसे एंटीनास के थ्रू सेंड कर दिया जाएगा। यह है हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ट्रांसमिशन। वैसे तो टू टाइप की इसमें ट्रांसमिशन होती है, एक होती है हाई लेवल ट्रांसमिशन, एक होती है लो लेवल ट्रांसमिशन। हाई लेवल ट्रांसमिशन के लिए हाई लेवल मॉड्यूलेशन की जरूरत पड़ती है, और लो लेवल ट्रांसमिशन के लिए लो लेवल मॉड्यूलेशन की जरूरत पड़ती है। और इसके लिए हमें इन दोनों से चूज करना पड़ता है। ये डिपेंड करता है कि हमें किस तरह की एएम ट्रांसमिशन चाहिए। इसमें अगर हम यूज करेंगे लो लेवल की ट्रांसमिशन, तो उसके ट्रांसमिशन फ्यू वॉट्स में होगी, यानी कि फ्यू वॉट्स ट्रांसमिट पावर की जरूरत पड़ेगी लो लेवल मॉड्यूलेशन में। और अगर हम हाई लेवल की बात कर रहे हैं तो उसमें किलो वॉट्स की जरूरत पड़ती है, किलो वॉट्स में ट्रांसमिशन होती है जो हाई लेवल मॉड्यूलेशन एम्प्लॉय करता है। ये है हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एएम ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन भी जिसे बोलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।